वहीं लक्सर से बीजेपी विधायक संजय गुप्ता का टिकट फाइनल होने के बाद पूर्व राज्य मंत्री रहे श्यामवीर सैनी ने लक्सर विधानसभा सीट पर अपनी दावेदारी ठोकते हुए कहा कि क्षेत्र की जनता बदलाव चाहती है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उनकी बात हाईकमान से हुई है और हाईकमान ने उन्हें यह आश्वासन भी दिया है। वहीं संजय गुप्ता पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि 2012 की अपेक्षा 2017 में उनका जनाधार कम हुआ है, जो पार्टी के लिए संकेत ठीक नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि क्षेत्र की जनता उनके काम से खुश नहीं है, क्योंकि ना तो यहाँ महिला डिग्री कॉलेज खोला गया है और ना ही मेडिकल कॉलेज खोला गया और ना ही इंडस्ट्रीज के क्षेत्र उनके 10 साल के कार्यकाल में कोई फैक्ट्री लगी। उन्होंने हाईकमान से उम्मीद जताई है कि अभी भी उनका टिकट हो सकता है और उन्होंने साफ तौर पर यह भी बड़ा ऐलान कर दिया है कि जनता का समर्थन उन्हें ही मिल रहा है और अगर पार्टी हाईकमान उनको टिकट नहीं देती तो जनता की जन भावनाओं को देखते हुए उन्हें चुनाव लड़ना ही पड़ेगा और अगर वो यहां से चुनाव जीतते हैं तो सबसे पहले यहां पर बालिकाओं के लिए डिग्री कॉलेज, मेडिकल कॉलेज और खोलने के लिए स्टेडियम उनकी पहली प्राथमिकता रहेगी। लेकिन अब देखना यह बाकी रहेगा कि क्या बीजेपी हाईकमान 10 सालों से विधायक रहे संजय गुप्ता का टिकट काटकर श्यामवीर सैनी को टिकट दे पाती है या नहीं। डिग्री कॉलेज था या और यहाँ पर मंडी थी, डिग्री कॉलेज जो है वो मजबूत प्रतिनिधि के वजह से खानपुर चला गया, यहाँ की मंडी भी खानपुर चली गई और यहाँ का अनेक संस्थान है, यहाँ बहुत बड़ा यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया वो भी खानपुर चला गया सिडकुल, और यहाँ पर एक बहुत अच्छी चिकित्सा की जरूरत है, अच्छा चिकित्सालय नहीं बन पाया है, डिग्री कॉलेज जो था वो भी चला गया है और इसलिए जनता की अपेक्षाओं पर वर्तमान जन प्रतिनिधि खड़े नहीं उतरे हैं। यहाँ पर डिग्री कॉलेज था या और यहाँ पर मंडी थी, डिग्री कॉलेज जो है वो मजबूत प्रतिनिधि की वजह से खानपुर चला गया, यहाँ की मंडी भी खानपुर चली गई और यहाँ का अनेक संस्थान है, यहाँ बहुत बड़ा यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया वो भी खानपुर चला गया सिडकुल, और यहाँ पर एक बहुत अच्छी चिकित्सा की जरूरत है, अच्छा चिकित्सालय नहीं बन पाया है, डिग्री कॉलेज जो था वो भी चला गया है और इसलिए जनता की अपेक्षाओं पर वर्तमान जन प्रतिनिधि खड़े नहीं उतरे हैं। यहाँ पर डिग्री